आज मैं आपको कार्टी सेल्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। कार्टी सेल एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें जो टी सेल है ये आपका एक किस्म का वाइट सेल है आपके खून में जो मौजूद है, और ये एक किस्म का आपका पोलिसिंग करता है, आपका डिफेंस में काम आता है, और कैंसर में भी ये आपका काम आता है। कैसे? ये कैंसर सेल्स को मार देता है, लेकिन जब इसमें डिफेक्ट्स हो जाते हैं तो कैंसर सेल्स जो बच जाते हैं तो कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई करके, जैसे ब्लड में ब्लड कैंसर जब होता है उसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं, तो ऐसी ही कई प्रकार के ल्यूकीमिया होते हैं। एक जो है हम लोग बी सेल ल्यूकीमिया बोलते हैं और एक बी सेल लिम्फोमा बोलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा रिसर्च और सबसे ज्यादा जो फायदा पाया गया है कार्टी सेल के साथ वो बी सेल एक्यूट ल्यूकीमियास एंड बी सेल लिम्फोमास में पाया गया। बाकी जगह में अभी रिसर्च जारी है। तो ये कार्टी सेल्स को हम पेशेंट से निकालते हैं और निकालने के बाद उसको कुछ हफ्ते लगते हैं लैब में, उसको हम लोग फिर से उसको इंजीनियरिंग करते हैं। वो इंजीनियरिंग करके उसको हम लोग वापस उस काबिल बनाते हैं ताकि वो कैंसर सेल्स को फिर से पहचान के मार पाए। तो उसको इंजीनियरिंग करके फिर उसको हम लोग उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, और जब मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से 4 बनता है, 4 से 16 बनता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है और जितने सेल्स चाहिए आप उतने बना सकते हैं। वो सेल्स लाके हम वापस पेशेंट के अंदर डाल देते हैं, उसको कार्टी सेल इन्फ्यूजन बोलते हैं। और वो जो इन्फ्यूजन होता है उसका नॉर्मल डोजिंग अलग अलग बच्चे एडल्ट और अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग होता है, और वो हम लोग पूरा 3 हफ्ते के बाद जब आ जाता है हमारे पास वापस पेशेंट में, नस के थ्रू हम अंदर डाल देते हैं। इसके डालने के बाद अगला हफ्ता 2 हफ्ता पेशेंट्स को कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि वो कार्टी सेल्स जो है जाके कैंसर सेल को जाके मारेगा, और जब कैंसर सेल को मारता है तो साइटोकाइन करके केमिकल रिलीज होता है, और वो साइटोकाइन जो रिलीज होता है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको CRS बोलते हैं, इन फुल फॉर्म साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। और उसमें क्या होता है, बुखार होता है, थकावट होती है, और भूख कम लगती है उसका, नौजिया यानी कि उल्टी का दिल कर सकता है, उल्टी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और कभी कभी दिमागी आदमी को नींद आता है, कभी दौरा पड़ सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो सेल्स अभी अवेलेबल है उसमें ब्रेन वाला न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स बिल्कुल देखा नहीं गया ज्यादा। हमारे पेशेंट जो है एक 48 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको एक्यूट ल्यूकीमिया था, जिसको एक्यूट बी सेल ल्यूकीमिया बोलते थे हम लोग बोलते हैं, और उस पेशेंट को 2022 में कीमो दिया, फेल हुआ। उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया 2023 में, वो भी फेल हुआ। फिर दिसंबर में बाकी थोड़ा दवाई देके इस पेशेंट को कार्टी सेल के लिए तैयारी किया, और इसी पेशेंट को हम लोग ने 7 तारीख को कार्टी सेल इन्फ्यूज किया। उसके कुछ हफ्ते पहले हमने उसका कार्टी सेल निकाला और फिर वो लैब में गया, उसका पूरा इंजीनियरिंग हुआ, उसका एक्सपेंशन हुआ, और हमको वापस 7 तारीख को जब मिला हमने उसको इन्फ्यूज किया। अब पेशेंट को 1 महीने से ज्यादा हो गया फॉलोअप करते, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है और ल्यूकीमिया मुक्त है। और हमारे पेशेंट में एक और चैलेंज था हम लोग को कि इस पेशेंट में इसका लिवर में भी एक प्रॉब्लम था, क्रॉनिक लिवर डिजीज था। तो हमारे जानकारी में ऐसे कोई और पेशेंट हमको हमारे जानकारी में नहीं है जिसमें लिवर डिजीज भी हो, और वो भी सीवियर लिवर डिजीज हो ऑफ क्रॉनिक नेचर, जिसके साथ साथ हमने ल्यूकीमिया के लिए कार्टी किया हो। तो आज के तारीख में वो ल्यूकीमिया मुक्त है और उसका लिवर डिजीज भी स्टेबल है, और वो अंडर मैनेजमेंट ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। सो हम ये कहना चाहते हैं कि सक्सेसफुली हम लोग ने ये कार्टी सेल का थेरेपी किया इस पेशेंट में, एंड वो भी इसका जो कॉस्ट था उन लोग ने जो भी चार्ज किया वो कंपनी ने इम्यूनो एक्ट ने, वो पेशेंट ने डायरेक्टली उनको पे किया थ्रू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ने इसको हम लोग ने एज ए फर्स्ट केस हम लोग ने उसको सपोर्ट करके किया हम लोग ने ट्रांसप्लांट, एंड आई वॉन्ट टू से द पेशेंट इज हेल्दी एंड फाइन।